Case number two and here example number three. PQ is a chord of length 8 cm of a circle of radius 5 cm. The tangents at P and Q intersect at point P, see figure 10.10. Find the length EP. ठीक है, मुझे इस क्वेश्चन की फिगर दे रखी है, अब उसके हिसाब से मुझे क्वेश्चन करना है। देखिएगा कैसे करेंगे। एग्जांपल नंबर थ्री में एक सर्कल दे रखा है, इधर एक सर्कल दे रखा है और इसमें एक ना हमको कॉर्ड दे रखी है, एक कॉर्ड है, इस पॉइंट पर एक टेंजेंट ऐसे ऐसे इस पॉइंट पर एक टेंजेंट हो गया। और उसके बाद ये वाला पॉइंट है P, ये वाला पॉइंट है Q और ये वाला पॉइंट है T और सर्कल का सेंटर है O। फाइव सेंटीमीटर मतलब ये सर्कल का रेडियस कितना है और ये जो लेंथ PQ है ना, ये PQ टोटल मेरे को 8 सेंटीमीटर गिवन है। PQ इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर और जो सर्कल का रेडियस है OP इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ये दो चीजें गिवन है यहाँ पर। अब जरा देखिएगा हम इसमें क्या करेंगे। यहाँ दे रखा है ना टेंजेंट एट पी एंड क्यू इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट टी, मतलब पॉइंट पी पर टेंजेंट है ये टीपी, ऐसे ही पॉइंट क्यू पर टेंजेंट है ये टीपी, ये टी क्यू। बताइए जी इतना तो क्लियर है ना। इस क्वेश्चन में ये दे रखा है और इसमें देखिएगा। हाँ जी कुछ पूछ रहे हैं नो सर। अच्छा उसके बाद देखिएगा वो पूछ रहे हैं हमसे कि आपको लेंथ निकालनी है, फाइंड द लेंथ टीपी, मतलब मुझे इस टेंजेंट की लेंथ निकालनी है। ठीक है, तो अब जरा देखिएगा किस तरीके से करना है इस क्वेश्चन को, आगे कैसे प्रोसीड करेंगे। हम यहाँ पर एक चीज लेकर चलते हैं कि इसमें ना मुझे पहले ये काम करना होगा कि जैसे ये लेंथ है पूरी की पूरी, ये लेंथ है PQ की, जिसको मैं बोलता हूँ 8 सेंटीमीटर, तो क्या होता है ये 4 सेंटीमीटर होता है, ये 4 सेंटीमीटर होता है। लेकिन इस चीज को आपको प्रूव करके दिखाना होगा क्वेश्चन में जरूर, है ना। तो इसको कैसे करेंगे वो देखिएगा जरा, अभी बताता हूँ। इसमें हमें क्या फंडा लगाना पड़ेगा, सर अभी रुको एक मिनट। साइड और ये तो कुछ नहीं होता। हाँ बोलो क्या कर रहे हैं। नहीं सर समझ गया मैं। बोलो नहीं
90 डिग्री इसको एक बार प्रूव कर दूं, तो अगर मान लो मैं इस ट्रायंगल को ले लूं और इस ट्रायंगल को ले लूं, चलिए काम करते हैं, हम ये कहते हैं इन ट्रायंगल OPT हम दो ट्रायंगल लेते हैं, एक लेंगे ट्रायंगल OPT और एक लेंगे ट्रायंगल OQT। तो अगर मैं बड़े ट्रायंगल की बात करूं, जैसे मान लीजिए मैं ट्रायंगल OPT की बात करता हूं, ये है ट्रायंगल OPT। अगर इसकी बात करते हैं तो मुझे मालूम है कि टेंजेंट में और रेडियस के पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट में इनमें एंगल हमेशा 90 डिग्री बनता है। तो ये वाला एंगल 90 डिग्री हो गया, ऐसे ही ये वाला एंगल भी 90 डिग्री हो गया। तो हम कहेंगे इन ट्राइंगल OPT एंड ट्राइंगल OQT, ट्राइंगल OPT में और ट्राइंगल OQT में हम सबसे पहले ये बोलेंगे कि OP इज इक्वल टू OQ, OP इज इक्वल टू OQ, और रीजन में लिखेंगे रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, OP इज इक्वल टू OQ रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। उसके बाद हम कहेंगे कि एंगल OPT, एंगल OPT इज इक्वल टू एंगल OQT इज इक्वल टू 90 डिग्री, ईच इक्वल टू 90 डिग्री, ये हमको मालूम है। इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है कि रेडियस के और टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट के बीच में 90 डिग्री एंगल बनता है, ये आप सीधे यहां पर बना देंगे, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आप नेक्स्ट कहेंगे कि PP इज इक्वल टू PQ, PP इज इक्वल टू PQ, इसमें सिर्फ एक लाइन लिखनी है, आप लिखेंगे टेंजेंट फ्रॉम T, बस इतना लिखेंगे कि सेम सर्कल है, सेम सर्कल पर एक एक्सटर्नल पॉइंट से T से मैं जब टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो एक पॉइंट से हमेशा दो ही टेंजेंट ड्रॉ होते हैं, एक एक्सटर्नल पॉइंट से हमेशा दो टेंजेंट ड्रॉप होते हैं और उन दोनों टेंजेंट्स की लेंथ जो है वो इक्वल होती है, ठीक है। तो मैं लिखूंगा TP इज इक्वल टू PQ है, रीजन में मैं लिखूंगा टेंजेंट्स फ्रॉम P, टेंजेंट्स फ्रॉम कैपिटल T, ये हो गया। ये करने के बाद में अब आप ये देखिएगा कि यहां पर देखो बेटा, एक तो ये OP और OQ, एक तो ये साइड आ गई, ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल, दूसरा ये राइट एंगल आ गया, ठीक है, ये राइट एंगल आ गया, ये इसके इक्वल हो गई और ये वाली साइड इसके इक्वल हो गई। मैं बोल सकता हूँ साइड एंगल साइड, ठीक है, RHS नहीं बोलेंगे इसको, RHS में हमारा हाइपोटेन्यूज इक्वल होना चाहिए, हालांकि यहाँ पर हाइपोटेन्यूज भी इक्वल आ रहा है, कॉमन आ रहा है, ठीक, तो मैं कॉन्ग्रुएंट बोलूंगा, ये दोनों हमारे कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो भाई साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया, ये 9th क्लास वाला है कॉन्ग्रुएंस, ठीक है, सिमिलैरिटी नहीं है, कॉन्ग्रुएंस ही है, कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया ट्रायंगल OPT इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OQT, ट्रायंगल OPT इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OQT, ये हो गया। उसके बाद हम यहां पर ये कहेंगे कि अगर हम इनमें एंगल्स की बात करें तो आप देखिएगा कि यहां पर ये हो जाएगा कि इस वाले ट्रायंगल का एंगल वो और इस वाले ट्रायंगल का एंगल वो, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो एंगल POT इज इक्वल टू एंगल QOT। तो POT क्या होगा बेटा, देखो जरा POT, तो ये वाला एंगल ये और QOT वो क्या हो गया, ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं, इनको आप बोल दीजिए कुछ, इसको आप बोल दो बेटा एक्स, तो ये भी एक्स हो गया, ये सबको दिखाई दे रहा है, yes, हमने लिखा है एक्स, छोटा तो नहीं लिखा, दिखाई दे रहा है ना, yes। अच्छा, उसके बाद आप नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट ये एंगल OPT इज इक्वल टू एंगल OQT, ये हमें मालूम ही है, एंगल OPT
इज इक्वल टू एंगल ओ क्यू डी, तो दोनों 90 डिग्री के इक्वल है, ये मैं जानता हूँ, ये मेंशन करके दिखाने की जरूरत नहीं है। ठीक, अगला देखिए, इस ट्राइंगल का एंगल टी और इस ट्राइंगल का एंगल टी, ये दोनों भी इक्वल होंगे, मतलब हमारा ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे। तो बेटा इसको वाई बोल दीजिए, ऑटोमेटिकली ये भी वाई हो गया। बताओ जी, इतना समझ में आ गया? हाँ जी सर। अब जरा देखिएगा, अब मैं नेक्स्ट क्या करने वाला हूँ, इसमें हम ये कहेंगे नाउ, और इसमें आप रीजन में लिख दीजिएगा बेटा, बाई सीपीसीटी, बाई सीपीसीटी। तो मैंने यहां से प्रूव करके एक की वैल्यू एक्स ले ली और एक की वैल्यू वाई ले ली एंगल की। फिर मैं कहूंगा इन ट्राइंगल ओ, और ये जो बीच का पॉइंट है ना टी पी ओ क्यू, इस बीच वाले पॉइंट को बेटा आर बोल दो, आर। तो मैं कहूंगा इन ट्राइंगल ओ, इन ट्राइंगल ओ पी क्यू, इन ट्राइंगल ओ पी क्यू, इन ट्राइंगल ओ पी क्यू, हमारा हाँ ठीक है, इन ट्राइंगल ओ पी क्यू एंगल ओ पी क्यू इज इक्वल टू एंगल ओ क्यू पी, एंगल ओ क्यू पी। रीजन में आप लिखेंगे कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल शुड बी, ट्राइंगल्स शुड बी क्या, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर इक्वल, ठीक है। तो जैसे हमारे पास ये ट्राइंगल हो गया, ट्राइंगल ओ पी क्यू, तो इसमें बेटा ये वाला ट्राइंगल, और रीजन क्या है, रीजन ये है कि ओपी इज इक्वल टू ओ क्यू है, ओपी इज इक्वल टू ओ क्यू। तो ओपी इज इक्वल टू ओ क्यू का मतलब मैं इस ट्राइंगल ओ पी क्यू की अगर बात करूं, तो मेरे पास ये ओपी और ये ओ क्यू, ये दोनों इक्वल है, ये दोनों के दोनों क्या है, ये रेडियस है, तो ये एक तरह से आइसोसेलस ट्राइंगल हो गया, और आइसोसेलस ट्राइंगल के जो बेस एंगल्स होते हैं ये इक्वल होते हैं। समझ में आ गया सभी बच्चों को? हाँ जी सर। मेरा ये वाला एंगल जो है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों के दोनों इक्वल हो गए। तो बेटा अगर ये थीटा है, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा हो गया, ठीक है। एंगल ओबीडी इज इक्वल टू एंगल ओक्यूबी इज इक्वल टू थीटा, ये मैंने मान लिया ये थीटा के इक्वल है दोनों के दोनों, ठीक। अब ये करने के बाद में मैं ये कहूंगा इन ट्राइंगल ओ, नाउ इन ट्राइंगल ओ आर बी एंड ओ आर क्यू। अच्छा, किसी भी बच्चे को, क्योंकि थोड़ा सा लेंदी है क्वेश्चन, इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स मैं समझाने की कोशिश करूंगा, तो किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है मुझे बीच में बता देना, ये ना हो कि पूरा क्वेश्चन होने के बाद में देखिए थोड़ा सा शुरू से बता दो, किसी को कोई डाउट हो तो मुझे अभी बता दो। अरे बता सर, थीटा वाला नहीं आया। थीटा वाला देखिए, मैंने ये कहा कि मैं सिर्फ इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ, ट्राइंगल ओ पी क्यू की। तो ट्राइंगल ओ पी क्यू में आप ये देखिए, ये वाली जो लेंथ है ओ पी और ये वाली जो लेंथ है ओ क्यू, ये दोनों की दोनों साइड जो है इक्वल है ना। तो ये एक तरह से क्या हो गया, ये आइसोसेलस ट्राइंगल हो गया, और आइसोसेलस ट्राइंगल के जो बेस एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो इस वजह से OP के सामने वाला एंगल क्या हो गया OQ, और OQ के सामने वाला एंगल क्या हो गया ये वाला OPQ। तो इस वजह से ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, जब दोनों इक्वल है तो इसको भी थीटा मान दो, इसको भी थीटा मान दो। बताओ yes, समझ गए अनुभव, बताओ क्लियर है सर? हाँ, मुझे यहाँ पे डाउट है कि ये जो आपने यहाँ पे इसको 90 डिग्री बोला था ना, मेरे को ये वाला समझ नहीं आया। ये वाला 90 डिग्री है? यस सर। ये 90 डिग्री होता है, रेडियस से, रेडियस के और टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर एंगल 90 डिग्री बनता है।
ये थ्योरम वन है। ओके ओके ठीक है। तो अब आप ये देखिएगा, अब मैं कहूंगा कि ये वाला एंगल थीटा हो गया, ये वाला एंगल थीटा हो गया, ये वाला एंगल एक्स हो गया, ये वाला एंगल एक्स हो गया। अब हम बोलेंगे इन ट्राइंगल ओ आर पी एंड ओ आर क्यू, एक काम करते हैं इसको सिमिलर प्रूव करूं या ना करूं ये सोच रहा हूं। सिमिलर प्रूव करने का फायदा क्या होगा, एंगल इक्वल आ जाएंगे। ठीक है चलो जी, हम एक करते हैं इन ट्राइंगल ओ आर पी। नाउ इन ट्राइंगल ओ आर पी एंड ट्राइंगल ओ आर क्यू। अब जब मैं ओ आर पी की बात कर रहा हूं बेटा, ओ आर पी की, तो एक तो एंगल ये लिखो, एंगल आर ओ पी इज इक्वल टू एंगल आर ओ क्यू। एंगल आर ओ पी इज इक्वल टू एंगल आर ओ क्यू इज इक्वल टू एक्स, एक तो ये हो गया। दूसरा मैं ये लिखूंगा एंगल ओ आर पी में, ट्राइंगल ओ आर पी में मैं ये वाला एंगल लूंगा, ये वाला, तो एंगल आर पी ओ इज इक्वल टू एंगल आर क्यू ओ इज इक्वल टू थीटा। दोनों के दोनों इक्वल है, थीटा के बराबर है। बस दो एंगल चाहिए होते हैं सिमिलैरिटी प्रूव करने के लिए। तो हमारे पास, मैं ये बोलूंगा डबल ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए। तो भाई डबल ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया ट्राइंगल ओ आर पी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ओ आर क्यू। ट्राइंगल ओ आर पी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ओ आर क्यू। तो अब सीधी सीधी बात है कि यहां पर आर वाला जो एंगल है और आर वाला ये सेकंड पोजीशन पर जो अल्फाबेट है, इट इंप्लाइज दैट एंगल ओ आर पी इज इक्वल टू एंगल ओ आर क्यू। ठीक है, ये दोनों के दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। तो एंगल ओ आर पी प्लस एंगल ओ आर क्यू, एंगल ओ आर पी प्लस एंगल ओ आर क्यू एक काम करो यार, इस पर ये डबल ए सिमिलैरिटी मत लेता हूं, हटाओ उसको, छोड़ो। सिमिलैरिटी से तो सिमिलर हो पाएगा, मुझे तो कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। मैंने ये देखा ये वाला एंगल एक्स है, ये वाला एंगल एक्स है, ये वाला एंगल थीटा है, ये वाला एंगल थीटा है। मैं इस ट्राइंगल को और इस ट्राइंगल को ले रहा हूँ, ये छोटा वाला ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल। तो इन दोनों एंगल्स के बीच वाली जो साइड है ओपी और ओक्यू, ये दोनों की तो इक्वल है। मैं कहूंगा ओपी इज इक्वल टू ओक्यू इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, दोनों रेडियस है और दोनों 5 सेंटीमीटर के इक्वल। मैं बोलूंगा ये क्या हो गया बेटा, ये हो गया एंगल साइड एंगल। और एंगल साइड एंगल क्या होता है हमारा, जब एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया है तो वो हमारा कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया होता है। भाई ऐसे कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया ट्राइंगल ओ आर पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ आर क्यू। और इससे क्या हुआ, हमारा ये आर पी और आर क्यू, ये दूसरा और तीसरा अल्फाबेट क्या है आर पी, और इसका दूसरा और तीसरा अल्फाबेट क्या है आर क्यू। आर पी इज इक्वल टू आर क्यू हो गया एक चीज तो, बाय सिंप्लिसिटी।
और दूसरा एंगल ओ आर बी इज इक्वल टू एंगल ओ आर क्यू, ये भी बाई सी की सी टी ठीक। और मैं ये देख रहा हूं कि हमारा ये वाला एंगल एंगल ओ आर बी और एंगल ओ आर क्यू ये दोनों इक्वल हो गए, लेकिन मुझे ये भी तो पता है कि टी क्यू इज अ स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रेट लाइन पर एक पॉइंट के इधर और इधर जो एंगल बनता है उनका सम 180 डिग्री होता है, जिसको हम बोलते हैं लीनियर पेयर। बताइए समझ रहे हैं? हां जी सर। यस सर। तो एंगल ओ आर बी प्लस एंगल ओ आर क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री, रीजन में लिखिएगा लीनियर पेयर, लीनियर पेयर। और ओ आर क्यू और ओ आर क्यू दोनों इक्वल है, तो ओ आर बी की जगह पर भी ओ आर क्यू लिख दो, एंगल ओ आर क्यू प्लस एंगल ओ आर क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री, और ट्वाइस ऑफ एंगल ओ आर क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री, टू से इसको काट दो, तो एंगल ओ आर क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री आ गया। ये चीज समझ में आती है कि नहीं, पहले बताओ बेटा। जब ये ओ आर क्यू जब ये 90 डिग्री आ गया और ये ओ आर पी ये भी 90 डिग्री आ गया, दोनों इक्वल है, है ना? तो जब ये आ गया तो ये भी तो लीनियर पेयर है, ये भी 90 डिग्री हो जाएगा और ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। ये समझ में आता है कि नहीं? हां जी सर। यस सर। बताओ बेटा सभी को क्लियर है? कार्तिक? यस सर। कृष्णा जी? यस सर। ठीक है कृष्णा जी, समझ में आ गया? नव्या, हर्षिका? यस सर। अब देखिएगा इससे क्या होगा। अच्छा और दूसरा ये हो गया, आर पी इज इक्वल टू आर क्यू, यानी कि ये वाली लेंथ इस वाली लेंथ के इक्वल हो गई, ठीक है? तो ये जो पूरी लेंथ मुझे दे रखी थी पी क्यू, पी क्यू मुझे 8 सेंटीमीटर दे रखा था, इसका मतलब ये भी 4 हो गया और ये भी 4 हो गया। बताइए जी। हाँ जी बोलो। तो यहाँ पे हमने ओ आर क्यू को 90 प्रूफ किया और बाकी फिर 90 प्रूफ हो गए उसके एंगल्स, तो मतलब इससे ये कैसे प्रूफ होता है कि वो 4-4 में डिवाइड हो जाएंगे? इसमें डिवाइड हो जाएंगे। अच्छा ये बेटा ऐसा हो गया, देखो ये है आर पी और ये है आर क्यू, आर पी इज इक्वल टू आर क्यू, है ना? तो ये दोनों, ये और ये दोनों इक्वल है, तो टोटल लेंथ दे रखी है 8, तो ये 4 और ये 4 होगा, तभी तो 8 होगा दोनों का सम। यस सर। वैसे मैं कोई और चीज मतलब ये जो हमने दो ट्रायंगल्स अभी प्रूव किए हैं ओ आर पी और ओ आर क्यू, हम उसको साइड एंगल साइड से भी कर सकते थे? साइड एंगल साइड से, हाँ हाँ, ये वाली साइड, ये वाला एंगल और ये साइड कॉमन, साइड एंगल साइड से भी कर सकते। ओके सर। ठीक है बताओ पार्थ, समझ गए? यस सर। ठीक है हर्षित? यस सर। ठीक है जी, तो अब आप ये देखिएगा, ये जो मैंने लिया एंगल एक्स एक्स थीटा थीटा वाई वाई, है ना, ये सारा कुछ, तो ये सारा कुछ देखने में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है। ये मैंने बेसिकली दो चीजें प्रूव करी हैं कि ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल होंगी, और उसके अलावा ये वाले जो बीच में एंगल्स बनेंगे ये 90 डिग्री के एंगल्स बनेंगे। ठीक है ये सबको समझ में आ गया? हाँ जी सर। इतना सबको समझ में आ गया? लक्ष्य शर्मा, लक्ष्य राजपूत बताओ क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है बेटा, तो अब मैं इस फिगर को थोड़ा सा ऐसा बना रहा हूँ, क्योंकि हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो आपको उतना ज्यादा शायद क्लियर ना दिखाई दे, तो मैं इसमें से जो जो चीजें मैंने यूज करी है और जो अब मेरे यूज की नहीं है वो उनको मिटा रहा हूँ, साफ कर रहा हूँ, ताकि देखने में आसानी रहेगी आप लोगों को। तो एक तो इसकी जरूरत नहीं है मेरे को, ये तो वाई है और वाई है, इसको हटा दो, तो ये हटा रहा हूं मैं यहां से, उसी तरीके से ये जो एक्स लिया था अब इसकी भी जरूरत नहीं है तो मैं इसको हटा रहा हूं। आप लोगों ने अपनी नोटबुक्स में तो ड्रॉ कर लिया है? यस सर। यस सर। बस तो अभी समझने में आसानी रहेगी, जो मैंने प्रूफ करना था
वो मैं कर चुका हूं प्रूव, इस थीटा क्वार्ट ऑफ यहां से। तो डायग्राम थोड़ा सा समझने लायक बनेगा, अभी तो सब बहुत सारा मिक्सिंग हो गई इसके अंदर, ये क्वेश्चन काफी लंबा है, एक बार समझ में आ जाएगा उसके बाद आपको दिक्कत नहीं होगी, और कर लेना इंपॉर्टेंट बहुत है। ये हो गया 5 सेंटीमीटर, ठीक है जी। अच्छा मुझे बस ये देखना था कि मेरे पास ये बीच के एंगल ये सारे 90 डिग्री आते हैं, ठीक है, और ये पूरा जो साइड थी 8 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर ये हो गया, 4 सेंटीमीटर ये हो गया। अब इसमें हम क्या करेंगे, अब देखिएगा, अब मैं कहूंगा इन ट्राइंगल ओ आर पी, इन ट्राइंगल ओ आर पी अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल ओ आर पी। तो आप देखिएगा ये क्या हो गया, एक तरह से परपेंडिकुलर, ये क्या हो गया बेस, और 90 डिग्री के सामने वाली साइड हमेशा क्या होती है, हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो हम कहेंगे ओ आर स्क्वायर प्लस आर पी स्क्वायर, R square plus RP square is equal to OP square, ठीक है। तो OR square plus RP क्या है बेटा, 4 का square is equal to OP क्या है, 5 का square। तो OR square is equal to 25 minus 16 क्या हो गया, 9। तो बेटा OR की वैल्यू क्या हो गई, 3 सेंटीमीटर। ये सभी को क्लियर है, है ना, ये आ गया हमारे पास 3, ठीक है। अच्छा अब ये करने के बाद में, उसके बाद में देखूंगा कि अब आप क्या करिए, ये T से लेकर R तक की जो लेंथ है ना, T से लेकर R तक की लेंथ, इसको आप मान लीजिए X वगैरह, X Y ये जो सब हम देख लेते हैं ना, इसको K मान लीजिए, K स्मॉल के, ठीक है। तो अब हम कहेंगे इन ट्राइंगल टी आर टी, इन ट्राइंगल पी आर टी अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। देखिए पी आर टी यहां पर एक तो ये हो जाएगा पी आर का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बेस का स्क्वायर क्या हो गया, आर टी का स्क्वायर, इज इक्वल टू 90 डिग्री के सामने वाली साइड इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूज, तो ये हो गया टीपी का स्क्वायर। तो देखो पी आर क्या है, 4 का स्क्वायर, प्लस आर टी क्या है, के के का स्क्वायर, इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा, टीपी स्क्वायर, इज इक्वल टू आ गया टीपी स्क्वायर। इसको मैं बोल दूंगा इक्वेशन नंबर 1। ये समझ में आ गया सबको, ये समझ में आ गया। अच्छा अब इतना करने के बाद में अब हम कहेंगे कि अगर मैं पूरे बड़े ट्राइंगल की बात करूं, फॉर एग्जांपल देखिए मैं इसकी बात करता हूं ओ पी टी की, तो ओ पी टी भी तो एक राइट ट्राइंगल है, तो इसमें क्या होगा, ये 90 डिग्री एंगल बन रहा है, इस 90 के सामने वाली साइड ओ पी टी में
90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या हो गई, ओटी है ना, तो ये हाइपोटेन्यूज हो गया। तो हमने ट्राइंगल ओ पी टी में पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा, इन ट्राइंगल ओपीडी, इन ट्राइंगल ओपीडी अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, ठीक। तो ओपीटी में पाइथागोरस थ्योरम लगानी है, तो ओपी का स्क्वायर प्लस पीटीपी का स्क्वायर, ओपी का स्क्वायर प्लस टीपी का स्क्वायर, ओपी ओपी का स्क्वायर प्लस टीपी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओटी का स्क्वायर, इज इक्वल टू ओटी का स्क्वायर। अब देखिएगा ये जो ओपी है, ये ओपी क्या है, फाइव, तो यहां पर करिए फाइव का स्क्वायर प्लस जो टीपी का स्क्वायर है, टीपी का स्क्वायर में यहां से निकाल चुका हूं, ये क्या है 4 स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, यानी कि 16 प्लस k स्क्वायर, इक्वल है ना, 16 प्लस k स्क्वायर इज इक्वल टू ot का स्क्वायर। ot का स्क्वायर क्या है, ot है टोटल लेंथ, ot कितनी हो जाएगी 3 प्लस k, 3 प्लस k ये टोटल लेंथ है ot, तो ये हो जाएगा 3 प्लस k का होल स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 16 प्लस k स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, a स्क्वायर प्लस 2 3 का 6 a, a स्क्वायर से k स्क्वायर कट गया, फिर हमारे पास ये आ जाएगा 25 प्लस 16 कितना हो गया 41, 41 माइनस 9 इज इक्वल टू 6k, 41 में से अगर 9 को सबट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 32 इज इक्वल टू 6k, 2 3 जा 2 16 जा, तो k की वैल्यू आ गई 16 अपॉन 3, अभी तो k की वैल्यू आ गई है, लेकिन मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है टेंजेंट की लेंथ यानी कि tp, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, पुट दिस वैल्यू इन फर्स्ट, मैं फर्स्ट इक्वेशन में k की इस वैल्यू को डालूंगा तो tp का स्क्वायर क्या आ गया, tp का स्क्वायर आ गया 4 स्क्वायर यानी कि 16 प्लस k स्क्वायर, तो tp स्क्वायर कितना हो गया 16 प्लस k कितना है 16 अपॉन 3 का होल स्क्वायर, तो tp स्क्वायर इज इक्वल टू 16 प्लस 16 का स्क्वायर होता है 256, सही है, अपॉन 9। अब इसको आप करिएगा, tp का स्क्वायर कितना हो गया 16 9 होता है 144 प्लस 256 अपॉन 9, तो 256 प्लस 144 कितना हो गया 400, ये सबको समझ में आ रहा है, यस सर, यस सर, यस सर, आस्था समझ में आ रहा है, यस सर, हो गया, यस सर, ओके। अब tp की वैल्यू क्या हो गई, 400 का स्क्वायर रूट क्या होगा 20 और 9 का स्क्वायर रूट होगा 320 अपॉन 3 सेंटीमीटर, बताइए जी सभी बच्चों को क्लियर है कि नहीं, यस सर, ठीक है ना, तो इसमें कॉन्ग्रुएंसी का रूल और पाइथागोरस थ्योरम है ना, ये सारी चीजें, बहुत सारी चीजें इस क्वेश्चन में यूज होती है, क्वेश्चन लेंथी है और कोई भी बच्चा इसमें कोई शॉर्टकट मारने की कोशिश मत करना, इस क्वेश्चन में क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर एग्जाम में आता है तो पहले आप प्रूव करके दिखाओगे कि ये जो 8 सेंटीमीटर है तो इसको 50-50 में आपने डिवाइड कर दिया 4 और 4, पहले तो ये करके दिखाएंगे, फिर आप ये दिखाएंगे कि ये दोनों एंगल 90 डिग्री है, फिर उसके बाद इस वाले ट्राइंगल में पाइथागोरस लगेगी, इस वाले ट्राइंगल में पाइथागोरस लगेगी और इस पूरे बड़े ट्राइंगल में भी पाइथागोरस लगेगी, समझ गए, सबसे पहले हमें क्या करना होता है, सबसे पहले OPT इस बड़े ट्राइंगल और OQT इस बड़े ट्राइंगल को, इन दोनों को सिमिलर प्रूव करके
ये एंगल किसके बराबर, ये एंगल किसके बराबर, ये प्रूव करना होता है। ये करने के बाद में फिर मुझे ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल कॉन्वर्ट प्रूव करके ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर प्रूव करना होता है। ये बराबर प्रूव होने के बाद में फिर हम कहेंगे कि तो ये एंगल भी बराबर हो गए, तो अब इस एंगल, ये वाला जो ट्राइंगल है, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, इन दोनों को भी कॉन्वर्ट करना होता है। तो क्वेश्चन लंबा है, बताइए सभी को क्लियर है ना? ठीक है जी, अब मैं एक्सरसाइज की स्टार्ट करता हूँ। एक्सरसाइज में 10.1 तो आपने देखा ही था कि कैसी थी, कुछ था ही नहीं उसमें। तो इसमें सर्कल्स वाले चैप्टर में बस एक ही एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 10.2। ठीक है, तो ये स्टार्ट करते हैं। एक मिनट दीजिए, मुझे बस पानी पी रहा हूँ। हर्षित समझ में आ गया ना क्वेश्चन? हाँ जी सर। ठीक है, अब इसका एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 1। एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 1। From a point Q, the length of the tangent to a circle is 24 cm and the distance of Q from the center is 25 cm. The radius of the circle is, from a point Q, एक point है Q, the length of the tangent to a circle is 24 cm. इसका मतलब Q जो है, अगर मैं Q से tangent draw कर रहा हूँ किसी circle पर, तो Q point जो है वो circle के अंदर तो lie नहीं कर रहा, क्योंकि tangent तो circle के बाहर से ही draw करा जाता है। तो एक मेरे पास सर्कल है, ये सर्कल का मान लीजिए सेंटर हो गया, सर्कल का सेंटर हो गया, और सेंटर को हम जनरली ओ ले लेते हैं। तो बाहर कोई पॉइंट है क्यू, इस क्यू से एक टेंजेंट ड्रॉप कर दिया गया है सर्कल का, एक टेंजेंट ड्रॉप करा ये। उसने कहा फ्रॉम अ पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जो क्यू से मैंने टेंजेंट ड्रॉ करा बेटा, इस पॉइंट को बोल दीजिए पी, है ना? तो इसकी लेंथ दे रखी है 24 सेंटीमीटर, तो ये हो गया। एंड द डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर। सेंटर से क्यू का, सेंटर से जो क्यू का डिस्टेंस है वो है 25 सेंटीमीटर, ये हो गया। ठीक है, उसके बाद द रेडियस ऑफ द सर्कल इज, सर्कल का रेडियस क्या होगा? मैं जानता हूं सर्कल के रेडियस में और टेंजेंट में 90 डिग्री का एंगल बनता है, तो ये रेडियस निकालना है मुझे, कर लेंगे? यस सर।
कर लेंगे ना, सिंपल पाइथागोरस थ्योरम लगना है, r स्क्वायर यस सर स्क्वायर इज इक्वल टू 25 का स्क्वायर, ठीक है मैं छोड़ रहा हूं उसको, करिएगा अपने आप। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। यस सर हां क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में फिगर दे रखी है तो देखिएगा जरा। ये सर्कल है, ये सर्कल है, सर्कल का सेंट्रल पॉइंट है वो, सेंट्रल पॉइंट वो है और सर्कल पर एक एक्सटर्नल पॉइंट है टी, उससे दो टेंजेंट डाले जाते हैं, ये पॉइंट है टी, इस पॉइंट टी से दो टेंजेंट डाले गए, एक पॉइंट है पॉइंट पी और एक पॉइंट है पॉइंट क्यू, तो सीधी सी बात है ये वाला जो एंगल बनेगा ये 90 डिग्री बनेगा, इसी तरीके से जो ये वाला एंगल बनेगा ये भी 90 डिग्री बनेगा, ठीक है, और ये वाला जो एंगल है बीच वाला ये एंगल दे रखा है 110 डिग्री, 110 डिग्री ये एंगल दे रखा है। वो पूछ रहे हैं कि एंगल पीटी को निकालो, ये वाला एंगल एंगल पीटी को छोड़ दो, निकाल लोगे आप सीधा सीधा बोलोगे कि ओ पी टी क्यू इज अ क्वाड्रिलेटरल एंड सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 360 डिग्री, 110 प्लस 90 प्लस 90 प्लस एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू 360 डिग्री, निकाल लोगे पी टी क्यू छोड़ दो। यस सर ठीक है, यस सर मैं छोड़ रहा हूँ इसको, करिएगा अपने आप ठीक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है देखिएगा। एक्सक्यूज मी सर, हां जी बेटा बोलो सर, मतलब जो सर्का वाला चैप्टर है उसमें मतलब कि 9th क्लास में भी हमारा चैप्टर था उसमें बहुत सारी मतलब प्रॉपर्टीज वगैरह थी सर्कल की, साइक्लिक क्वाड्रेटरल वगैरह, यहां इस चैप्टर का नाम सर्कल नहीं होना चाहिए, यहां इस चैप्टर का नाम टेंजेंट होना चाहिए, ठीक है। इसमें सर्कल कम है, सर्कल की तो कोई थ्योरम ही नहीं है, यहाँ तो टेंजेंट की प्रॉपर्टी है बस, वो दो प्रॉपर्टी है वो यूज करेंगे, तो इसीलिए ये कहा जाता है कि 9th में काफी सारी चीजें हैं 9th में जो बहुत टफ है, 10th में उतनी टफ नहीं है। आपने 9th का ट्राइंगल्स भी आपने फेस करा होगा, काफी टफ था, क्वाड्रिलेटरल्स काफी टफ था, यहाँ पर ट्राइंगल भी उतना टफ नहीं है, यहाँ पर सर्कल भी उतना टफ नहीं है, समझ गए। जैसे कि अगर हम किसी भी कॉर्ड पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं तो वो परपेंडिकुलर जो है वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करती है, ये वीडियो में क्या हो गया, रुकिए एक मिनट, हाँ चल गया है ना, तो बस जो दो ही बेसिक प्रॉपर्टीज है बस वही यूज होंगी और ज्यादा की जरूरत नहीं है इसमें। तो सर मतलब कि जो ट्यूशन में कुछ 9th के स्टूडेंट्स भी होंगे तो सर आप एक बार कुछ किसी को प्रोवाइड करवा देंगे, क्या चीज मतलब समझा नहीं मैं सर, मतलब कि जो अभी मेरे पास 9th की बुक्स वगैरह थी वो मतलब मैंने दे दी, मेरे पास है नहीं, तो मतलब जो सर्कल की, अच्छा 9th की जो हमें थ्योरम्स की अगर कुछ भी जरूरत पड़ेगी ना तो वो मैं आपको बता दूंगा, उसकी चिंता मत करो। ओके सर ठीक है, वो मैं बता दूंगा। अब जरा देखो सर रिकॉर्डिंग क्या कह रहे हो सर, आप कल की रिकॉर्डिंग कब भेजोगे सर, जो आपने कल सर्कल्स की करी? हां मैं भेज नहीं पाया, एक दो दिन से मैं भेज दूंगा, मैं आपका टेस्ट पेपर भी नहीं बना पाया, वो भी बनाकर भेजना था टेस्ट पेपर के लिए, किसी बच्चे ने नहीं पूछा, मजे की बात सर, मैं पूछ रहा हूं दोबारा सर, आप कब बना रहे हो? हां आज रात को बनाऊंगा या कल सुबह, तो कल भेज दूंगा और रिकॉर्डिंग भी इसकी भेज दूंगा, या तो आज देर रात तक भेज दूंगा, तीनों दिन की, 14th की, 15th की और 16th की, और या फिर कल सुबह सुबह भेज दूंगा सर, रिप्रोडक्शन की भेज देना, मैं भेज दूंगा सारी भेज दूंगा सर, हां भेज दूंगा सारी भाई। अच्छा जी अब जरा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3,
क्वेश्चन नंबर थ्री देखिएगा. क्वेश्चन नंबर थ्री में उन्होंने दे रखा है इफ टेंजेंट्स PA एंड PB फ्रॉम अ पॉइंट कैपिटल P टू अ सर्कल विद सेंटर O. एक सर्कल दे रखा है जिसका सेंटर O है और इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 80 डिग्री देन एंगल POA इज इक्वल टू. देखो एक सर्कल है ये सेंटर है O और बाहर से एक टेंजेंट दो टेंजेंट डाले जाते हैं PA और PB. तो ये हो गया P A ये हो गया PB. इसको इससे ज्वाइन करो ये क्या हो गया 90 डिग्री. इसको इससे ज्वाइन करो ये क्या हो गया 90 डिग्री. टेंजेंट्स आर इंक्लाइंड टू ईच अदर मतलब एक टेंजेंट PA है एक टेंजेंट PB है दे आर इंक्लाइंड टू ईच अदर मतलब दोनों के बीच में एंगल कितना बढ़ रहा है 80 डिग्री ये दे रखा है. और अब ये पूछा है कि आप एंगल POA निकालिए. एंगल POA ये वाला एंगल निकालना है इतना. तो ये कैसे निकलेगा सीधी सी बात है कि ये जो बीच वाली लाइन होती है ना आप एक एक स्टेटमेंट यहां पर लिखेंगे कि लाइन जॉइनिंग द सेंटर टू द एक्सटीरियर पॉइंट. लाइन जॉइनिंग The center of a circle to the exterior point from where tangents are drawn. Bisects the two angles. ठीक है मतलब दोनों एंगल को bisect करता है. जैसे ये 80 डिग्री है अब हम क्या करेंगे ये 80 है ये 90 है ये 90 है तो हम इस पूरे को निकाल लेंगे 180 plus 80 कितना हो गया 260 और ये टोटल एंगल कितना हो जाएगा फिर 100 डिग्री. 100 डिग्री का मतलब ये bisect करेगा 50 डिग्री हो गया 50 डिग्री हो गया कर लोगे. यस सर समझ गए सभी बच्चे बताइए. यस सर ठीक है. यस सर बस इतना करिए बाकी कल कराता हूँ. काफी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आगे के है ना तो बाकी के क्वेश्चन कल कराता हूँ आज इतना ही. सर होमवर्क क्वेश्चन 1, 2, और 3 है ना. कौन सा सर क्वेश्चन होमवर्क हमारे क्वेश्चन नंबर 1, 2, और 3 है ना. 1, 2, और 3 पे जो छोटा छोटा सा छोड़ा 5-10 मिनट में हो जाएगा क्या है उसमें. तो होमवर्क तो कुल मिलाकर कुछ नहीं है ठीक है. चलिए जी फिर कल मिलते हैं. ग्रेट सर बाय सर. ओके ओके थैंक यू सर. ओके.